अभी भी समय है, लौट जाओ। इस पावन पंचवटी को तुम्हारे रक्त से रंगना नहीं चाहता मैं। सत्य कहा। पंचवटी में हुए मेरे अपमान की गाथा राक्षसों के लहू से नहीं, तुम्हारे रक्त से धोई जाएगी राम। तुम, तुम्हारा लक्ष्मण और तुम्हारी सीता जीवित होते हुए भी नरक भोगोगे। तुम्हारे भाई ने जो मेरी ये दुर्दशा की है उसका प्रतिशोध लूंगी मैं। बुलाओ, बुलाओ उस कायर को। कहीं वो सीता की सुरक्षा में तो व्यस्त नहीं? कोई बात नहीं, मेरे सैनिक तुम्हारा और लक्ष्मण का संहार करके सीता को मुझे सौंपेंगे। और मेरी इस दुर्दशा के कारण की मैं ऐसी दुर्दशा करूंगी कि संपूर्ण संसार इसको स्मरण रखेगा। अधर्म के पाव धरा ऐसे ही जकड़ लेती है। कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम काट मद श्री से श्रीमद् रामायणम् श्रीमद् रामायणम् पति के नाशक, अब तेरा नाश मेरे हाथों होगा। yeah!
पापी अपने पाप के भार तले ऐसे ही दब जाता है। ऋषिरा, अब बल का नहीं बुद्धि का प्रयोग करो, अपनी शक्तियां लगाकर पता करो कि इस राम ने उस सीता को कहां छुपा के रखा है। यदि हम उस तक पहुंच गए तो ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा और ये राम स्वयं ही समर्पण कर देगा। हे माता, आर्य की रक्षा करना। राम ने लक्ष्मण के साथ सीता को कहां छुपा कर रखा है, पता चल गया तो विलंब किस बात का। चलो, ये तो गुफा की ओर जा रहे हैं, इन्हें सीता तक पहुंचने से रोकना होगा। जब धर्म के पद पर न्याय की इच्छा और संकल्प का बल हो तो दीन क्या, 100 शीश वाला पापी भी ध्वस्त होता है। लक्ष्मण भैया, बाहर इतना कोलाहल हो रहा है, सब ठीक तो है ना? भाभी माँ, वहां राम भैया है जिनके समक्ष स्वयं काल तक टिक नहीं सकता, तो अब थोड़ा कोलाहल तो होगा ही ना, आप निश्चिंत रहिए। बल दिखाता है, छल दिखाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाले श्री राम, खंडित होगी मर्यादा तेरी, क्योंकि रणभूमि में उतर आया है तो लक्ष्य महान। राम ले बच, तो लक्ष्य के इस विशाल चक्रवात से। हे
कब तक बचोगे वनवासी? क्या रहा है ये? एक एक करके हमारे सारे वीर धराशायी हो रहे हैं। कुछ राक्षसों की मृत्यु देखकर उद्देश्य भूल तो नहीं गए खर? राक्षस है हम, लंकेश के सेनापति दूषण, वयम रक्षक। अब तक दूषण का नाम सुना होगा, आज मेरा शौर्य देखो राम। चाहे जितना प्रयास कर लो राम, मेरी मायावी अग्नि तुम्हें भस्म कर ही देगी। प्रतिशोध की अग्नि विश्वासघाती होती है दूषण, अंततः स्वयं को ही जलाती है। ओम वायवे नमः। अब मेरी बहन के अपमान का ही नहीं, मेरे भाई के प्राणों का मूल्य भी चुकाना होगा राम। तुम्हारा विनाश तुम्हारे समक्ष खड़ा है। नेत्र खोलो खार और देखो कि विनाश किसके सामने खड़ा है। अभी भी समय है, लौट जाओ और अपने पापों का प्रायश्चित करो, अन्यथा ये प्रतिशोध की ज्वाला तुम्हें भी निगल जाएगी। देखते हैं कौन किसको निगलता है।
सर्वप्रथम इसकी माया का अंत करना होगा। विराजयस्त्र विश्वजिते धनाजिते सर्वजिते सत्राजिते तावरवराजिते अश्वजिते गोजिते अब्जिते हरिंद्राय सोमम यजातया हर्यतम। और प्रतीक्षा नहीं होती। आप बाहर जाके देखिए ना कि आपके भैया कहाँ हैं। अन्यथा मैं बाहर चली जाऊंगी भैया। भाभी माँ मैं कहा था ना सीता, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना ध्यान रखूंगा। भैया युद्ध, क्या युद्ध समाप्त हो गया? नहीं लक्ष्मण, मुझे लगता है वास्तविक युद्ध अब प्रारंभ हुआ है। अर्थात खरदूषण के संहार के बाद शूर्पनखा अवश्य ही अपने भाई रावण का द्वार खटखटाएगी और रावण के साथ शत्रुता का अर्थ है महायुद्ध। हमें सावधान रहना होगा लक्ष्मण। जी भैया। ये क्या अनर्थ हुआ?
बुआ। ये क्या अनर्थ हुआ? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.